बनाने जा रहे हैं गद्दी का कवर, जिसकी पहले लंबाई और चौड़ाई नाप लीजिए। 15 इंच लंबाई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको हम किसी भी दो रंग के कपड़े से डिजाइनर तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कपड़ा है एक प्लेन, उसकी हमें तैयार लंबाई चाहिए 15 इंच। हमने 16.5 का मार्जिन लिया है। कई बार कपड़ा इधर उधर से कम ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें इतना मार्जिन चाहिए। 16.5 हमने लंबाई ली है, 16.5 ही हमने चौड़ाई ली है। ओके, हम इसका डिजाइन इससे तैयार करेंगे, इस कपड़े से लाइनिंग के साथ। ठीक है, जैसे हमने एक ये पीछे का हिस्सा बनाना है और आगे के हिस्से के लिए हमें इसके साथ प्लेन को कंट्रास्ट करना है तैयार। जैसे कि ये हो गया, इसको हम कट कर लेंगे। ओके, अब इसके ऊपर हम इस तरह, जैसे कि ये कपड़ा है, हमने साथ में लाइनों वाला तैयार किया है, इसके साथ डिजाइन लगाएंगे हम। इसको थोड़ा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जितना 2 इंच की फोल्डिंग कर लेंगे। 2 इंच की फोल्डिंग हमें इस कपड़े की करनी है, मैचिंग की। देखो, जैसे हमने इस मैचिंग कपड़े को भी फोल्ड कर लिया है 2-2 इंच, और इसको फोल्डिंग को फोल्डिंग के ऊपर रखना है इस तरह। इस तरह कि इसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो जाए, 16.5 की हो जाए। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। अब हम मशीन की हेल्प से इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसको हम पहले से 2 इंच का फोल्डिंग करना है, इसको फोल्ड करके सीलन लॉन्स करते हुए ऐसे सीन लगा देंगे। प्रकार हमने इसको फोल्ड किया है, उसी तरह हम इस येलो कपड़े को भी साथ में प्लेन वाले को भी फोल्ड कर लेंगे। अब हमारी ये सीन भी लग चुकी है एक साइड की, और ये भी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो हिस्सा है उसकी सीधी साइड को ऊपर रखेंगे। सीधी साइड को ऊपर रखने के बाद इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। जो भी डिजाइनर हम अपना कपड़ा जो भी लेते हैं उसे उल्टा रख लेंगे, उल्टी साइड। और जो दूसरा इसका हिस्सा था वो इसके ऊपर रखकर सेट कर लेंगे। और अब आधा आधा इंच का सीन अलाउंस करते हुए चारों तरफ सिलाई कर देंगे।
अब हमने ये चारों तरफ सीन लगा दी है और बस इसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। अब हम हमारी जो ये कुशन है ये तैयार है बनके, अब हम इसे सीधा कर देंगे। सीधा होने के बाद इसके नुक्कर वगैरह निकालने के लिए जो कॉर्नर है हम एक क्रोशे की मदद ले सकते हैं या किसी पेन नहीं पेंसिल की भी मदद ले सकते हैं हम, ऐसे तिक्खी नोक निकल जाएगी। अब हमारा ये कुशन पिलो बनके तैयार है। हमारे पास कुछ जैसे वेस्टफुल चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हें हम यूज़ करके इसे डिज़ाइनर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टसल पड़े हैं, टसल को ऐसे यूज़ करके हम डिज़ाइनर तैयार कर सकते हैं। अगर हम टसल नहीं लगाना चाहते तो हमारे पास ये कुछ बटन पड़े हैं, वेस्ट पड़े हुए हैं, क्योंकि हम वेस्टफुल टू यूजफुल तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम वेस्टफुल चीज़ों से तैयार कर रहे हैं। देखिए अब ये हमारा कुशन बनके तैयार है। अब मैंने ये टेसल लगा दिए हैं और इस प्रकार मैंने इस पिल्लो पर कवर को चढ़ा दिया है। मैंने इस प्रकार दो पिलो बनाए हैं। कल मैंने एक और पिलो तैयार किया है, उस पर मैंने ऐसे बटन लगा दिए हैं। हमारे पास थोड़े से पड़े थे बटन और ये कुछ ऐसा लग रहा है।